अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहु। दोस्तों कैसे आप सब, मैं हूँ शबीना ठाकुर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शबीन अली। तो आज हम बनाएंगे प्राउन्स का पुलाव यानी कि झींगे का पुलाव और ये बहुत ही इजी मेथड से बनाए हैं। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तो यहाँ हमने एक हंडी लिए है और इसमें ये हाफ कप के करीब तेल ऐड करेंगे और जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम ये कुछ खड़े गर्म मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 5 इलायची लिए हैं, ये एक टुकड़ा दालचीनी का है और ये 5 से 6 लौंग है और ये एक तेज पत्ता है जिसके हमने टुकड़े कर लिए हैं और ये 2 बदियन का फूल है और 2 बड़ी इलायची। इन सबको हम तेल में ऐड करेंगे और 2 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। और ये 1 टीस्पून साबित ज़ीरा भी ऐड करेंगे। अब 2 सेकेंड के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। तो अब 2 सेकेंड हो गए हैं, गरम मसाला फ्राई हो गया है। अब ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसे हमने चॉप करके रखे और ये 2 से 3 हरी मिर्च है, इसे भी बारीक कट किए हैं और इसे भी हम ऐड करेंगे। और अब प्याज सॉफ्ट होने तक इसे हम फ्राई करेंगे और फ्लेम को हाई ही रखना है। अब प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें हम ये थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे, इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हमने ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे भी बारीक कट किए, इसे भी ऐड करेंगे। और ये कुछ ड्राई मसाले हैं, तो ये हमने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिए है और ये 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है और ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, इसे भी हम ऐड करेंगे। और ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे भी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से भूनना है जब तक ये अदरक लहसुन का स्मेल ख़त्म नहीं होते और टमाटर हमारे गल नहीं जाते, इसे तब तक हम भूनेंगे। और ये 1/2 कप दही है, इसे भी ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। और ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। मिर्च अपने जायके के मुताबिक ले। इसमें हमने हरी मिर्च भी ऐड किए हैं, हम थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले। तो देखिए इन तमाम चीज़ों को हमने लगातार चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से भून लिए हैं। अब देखिए तेल भी सेपरेट हो गए हैं और टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं और अदरक लहसुन का स्मेल भी ख़त्म हो गया। अब ये हमने झींगे लिए हैं प्राउन्स, इसका हमने छिलका निकाल लिया है और इसे साफ़ कर दिए और इसे अच्छे से धो लिए है। तो अब इसे भी हम ऐड करेंगे। अब इसमें हम ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, इसे भी ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम मिला लेंगे। हमारे पास थोड़े से मटर थे, इसे भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो आप इसे डालें, वरना इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं, इसे खोलकर देख लेते हैं। तो ये देखिए झींगा भी अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम ये 1/2 किलो बासमती राइस है, इसे ऐड करेंगे। इसे हमने अच्छे से धो लिए हैं और हमने इसे 1 घंटे भिगो के रखे थे और इसे अच्छे से वॉश किए हैं। और ये इसमें जायके के मुताबिक नमक ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 4 ग्लास पानी ऐड किए हैं, आप अपने चावल के हिसाब से पानी ले सकते हैं। और फ्लेम को हमने हाई ही रखे हैं और इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने 15 मिनट के लिए उबालने के लिए रखे थे। देखिए इसका पानी पूरा ड्राई हो गया है और इसे अब हम अच्छी तरह मिला लेंगे।
अब इसे हम दम पर छोड़ देंगे, करीब हम 10 मिनट के लिए इसे दम पर छोड़ देते हैं और इसे ढक देंगे। तो चलिए देखते हैं, 10 से 15 मिनट हो गए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मसाला से। तो हम अब इसे सर्व करते हैं। और कितने खिले खिले चावल बने हैं, तो देखिए हमने इसे सर्व किए हैं। और अब इसे हम गार्निश करेंगे। ये हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया कट करके रखे थे, इससे हम इसे इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारी झींगा पुलाव बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही बहुत अच्छा लग, इसकी खुशबू से ही ऐसे लग रहा है बस अब जस्ट खा ही ले। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है झींगे पुलाव की। कितने खिले खिले चावल बने हैं और ये झींगे के तो बस मत कहिए, बस ऐसा लग रहा है बस अब खा जाऊं करके। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको झींगे पुलाव की अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर कुकिंग विद शबीन अली पर फॉलो कीजिए।